बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम आज अपने घर में, पुराने घर में जो है व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो मैं हम आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम, सुबह के टाइम हालांकि आते रहते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर हम जो है उस घर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, काम शाम जो है करते रहते हैं, फिर शाम को हम वापस आ जाते हैं। तो अभी जो है हम हाँ जी जो बांस है ना छत के, वो लेने के लिए। इसको मैं एक पैगाम दे रहा था कि आप जो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा चुस्त चौबंद हो जाओ, क्योंकि आगे आपने बच्चों को पढ़ाना है और उनको मैनेज करना है। अगर आप ऐसे लेजी रही ना तो फिर जो है बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगी, बच्चियां होंगी सारी। हाँ, ये कौन सा मुश्किल है कंट्रोल करना। हाँ, बच्चियां होंगी सारी, बड़ी बड़ी भी होंगी, क्योंकि बच्चियां जो है ना वो समझदार होती हैं माशाल्लाह, और वो ज्यादा मतलब बच्चों की बेटों की तरह शरारती नहीं होती। तो बेटे जो है ना बड़े शरारती होते हैं, बच्चियां शरारती नहीं होती, तो इसलिए ना ज्यादा तंग नहीं करेंगी आपको। बस पढ़ेंगी, फिर आपको सबक सुनाएंगी, उसके बाद फिर वो छुट्टी हो जाएगी, फिर चली जाएंगी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से वो मदरसा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काफी दिन से ना मिस्त्री भाई जो है वो नहीं आ रहा था, इस वजह से ना काम रुका रहा, वरना कल स्टार्ट हो जाना था, आज हमारा खत्म भी हो जाना था। हाँ नहीं, हाँ तकरीबन आज जो है ना वो छत वगैरह की सिधाई जो है वो करते, तो लेकिन हो सकता है अल्लाह पाक की इसी में कोई भलाई हो। कल वैसे भी हफ्ता था, और कल जो है वो जो मजदूर भाई है ना उसका पेट वगैरह खराब था, कोई दर्द वगैरह था उसके पेट के अंदर, फिर इसलिए कल स्टार्ट नहीं किया। इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाओ ना फिर आ जाना। फिर आज वो खुद अब खुद आ गया, तो फिर हमारा काम जो है वो कंटिन्यू हो चुका है माशाल्लाह से। आप सब जल्दी से खत्म हो जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो अभी मैं आपको दिखवाता हूँ जाकर, और दिखाता हूँ कि हमारा कहाँ काम कहाँ तक पहुँचा है। तो पिलर वगैरह स्टार्ट किए हैं हम, घर के अंदर ही मदरसा बनवा रहे हैं। जिसको नहीं पता ना उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चिड़िया भी आ चुकी हैं, कहती हैं चिड़िंग चिड़िंग। ये दो है ना, एक नर है, एक मेल है, एक फीमेल है, तो आपस में बातें कर रही हैं। कहती हैं आप हमें दाना चुगने के लिए कहाँ जाना चाहिए, एक बता रही है कि यहाँ लेफ्ट जाएं या राइट जाएं। टेंशनों से फ्री होती हैं कैसे? देखो हर किसी की लाइफ में ना एक जानदार है, हम भी जानदार है, मतलब हमें भी जान है। जो जानदार होता है ना उनकी लाइफ में टेंशन होती है, लेकिन इंसानों को ज्यादा होती है। नहीं देखे ना आप, चिड़िया कहती होंगी कि इनको टेंशन नहीं है इंसानों को, है ना। वो कहेंगी, चिड़िया कहती होंगी ये लंबे लंबे चल रही हैं ना, शायद इनको ना टेंशन नहीं होती, वो हमारे बारे में सोची होंगी। हम कहते हैं चिड़ियों को टेंशन नहीं है, चिड़ियों की जबान में हमारा कोई और नाम होगा, चिड़िया हमें किसी और नाम से बुलाती होंगी। वो हमें कहती होंगी लंबूतरे लंबूतरे, ये लंबूतरा आ रहा है, ये लंबूतरा आ रहा है, ये कहती होंगी। हम इनको कहते हैं चिड़िया आ रही है, कव्वे आ रही है, लालियां आ रही है, ये कहते हैं हम। चिड़ा भी आ गया जी, चील। हाँ चील, चील, सॉरी सॉरी। अरे बाइक को भी छोटी छांव पे खड़ी कर दो। वाओ या माशाल्लाह, ये देखें जी फूल, इसकी फूल निकल रहे हैं, जिनका इम्कान था वो सूखने जा रहे। हाँ वो गुलाब के फूल नहीं निकल रहे, सूख गए हैं बेचारे, इसको इनको पानी नहीं लगा। अब देखो पानी इसको लगाओ, इसको वो तो वैसे भी सूख गई है, इसको पानी लगाओ। चलो हाँ आप लगा दो, बल्कि दोनों को लगाओ। यहाँ हरा है, ये देखो ये हरा है, ये निकल रही है चूचे इसकी, सुखा सुखा के फिर इसको ग्रो करते हैं, सुखा सुखा के फिर इसको ग्रो करते हैं। धूप इतनी होती है तो पानी लगाना चाहिए ना इसको। इन देगचों के अंदर मैंने भर दिया है पानी, इसके अंदर तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, ये चेक करें, ताकि चिड़िया वगैरह और परिंदे जो है ना वो जब आएँ तो वो यहाँ से पानी पी लें। इधर भी मैंने भर दिया पानी, इधर भी मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक चिड़िया आई हुई थी और वहाँ यहाँ से पानी पी भी रही थी, तो मैंने सब के अंदर भर दिया, एक इधर भी भर दिया मैंने, इस छोटी के अंदर इधर भी मैंने भर दिया, चेक करें ये पानी कैसे ठहरा है, और इधर भी मैंने इसके अंदर भी पानी भर दिया है। तो एक टाइप का ये परिंदों के लिए भी हो गया, चलो वो भी पानी शानी यहाँ से पीते रहेंगे, और हमारी डेकोरेशन भी पूरी हो गई। तो अभी जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं हमारे मदरसे के पिलर, जो कि हमने बच्चों को यहाँ पढ़ाना है। अब मतलब हमारी जो बच्चियाँ होंगी ना यहाँ गांव की, तो ख़ास तौर पे जो जिनके वालदैन नहीं होते ना, काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं यहाँ पे, तो वो जो है ना
हम यहाँ उनको दाखिल करेंगे बच्चियों को। तो ये यहाँ पे पिलर बनवा रहे हैं, एक पिलर ये होगा, एक ये और एक यहाँ पे। तो तीन जो है हमारे पिलर बनेंगे इधर बरामदे के, ऊपर हम डालेंगे छत और ये आ गए हमारे गार्डर। तो तीन ये गार्डर हैं जो पिलरों के ऊपर टिकेंगे, पिलरों के ऊपर हम रख देंगे गार्डर। एक गार्डर का साइड, एक गार्डर किधर आएगी, एक साइड आएगी उधर दीवार वाली साइड पे। तो इसी तरह ही तीन गार्डर हैं और तीन पिलर आएंगे जो कि एक एक साइड गार्डरों की इधर होगी, एक साइड गार्डरों की उधर होगी। तो इसके ऊपर जो है ना हम तीरों की जगह पे हम डालेंगे बांस, क्योंकि जो बजट है ना हमारा वो बांसों का है। तो उस हिसाब से फिर हम जो है काम करवा रही हैं। तो बांस भी अभी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह शाम को बांस भी हमारे आ जाएंगे। और कुछ पतले हमारी उधर पड़ी हुई हैं वो पीछे, तो कुछ जो है हम न्यू लेंगे पतले। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में जो पतले हमारे पास पड़ी हैं ना वो चार पड़ी हुई हैं पतले। तो ये मेरे ख्याल में पतले जो है वो काफ़ी हैं, ये देखें पाँच पड़ी हैं, बल्कि चार या पाँच ऐसे ही हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः हैं मेरे ख्याल में। पाँच हो जाए ना फिर भी काफ़ी हैं, चल जाएंगी। हाँ ना उस्ताद जी, ऐसे ना पाँच पतले हैं काफ़ी हैं, पतले 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 इसके लिए। हाँ पाँच काफ़ी हैं या छः लगेंगी? ये है हमारा ये 13 फुट बाई 28 फुट है ना, 13 फुट बाई 28 फुट, ऐसे 28 फुट हमारा लंबा बरामदा है और 13 फुट ऐसे चौड़ा है। क्या ख्याल है, पूरा हो जाएगा ना यार? ऐसे 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 गर्दन हिलाता है शाह साहब, ऐसे हाँ हो जाएगा। शाह साहब आपने पिलर जो है ठीक बनाने हैं, सब शिकवा कर रहे थे कि शाह साहब जो है पिलर सही नहीं बनाता। हाँ शाह साहब मर्दा पे, मर्दा पे अल्लाह ना करे यार, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। क्यों यार शाह साहब, ये पिलर देखें इधर, पिलर इसने बनाए थे ना शाह साहब ने, तो तीन बार इसने गिराए थे पिलर ना, कि नहीं गिरेंगे? अच्छा वाह यार वाह, दिल खुश कर दिया आज आपने। दो घंटे लगा दिए एक पिलर, एक पिलर के ऊपर है ना। हाँ बिल्कुल, चीज एक बार बन जाती है, लेकिन ये है कि ये इसके ऊपर छत डालेंगे तो आपने इसका ख्याल रखना है, नीचे बच्चे भी बैठेंगे और हम खुद भी बैठेंगे। टाइम खर्च कर रहा हूँ, सुबह सही से बना रहा हूँ। हाँ सही से बना रहा हूँ ताकि आपको फिर और भी काम मिले। वो देखो वो दीवार के ऊपर भी आपने चौकड़ियाँ लगा दी हैं सारी, बस पीछे काम कर रहे थे, निगाह पड़ी पीछे निगाह नहीं पड़ी यार शाह साहब, बहुत फनी है यार, आपकी निगाह नहीं पड़ी, हमारी निगाह चली जाएगी अगर गिर गई तो। यार शाह साहब, शाह साहब मारी ना बस, बाकी खैर है ये बन जाएगा, उसको हम लोग देना, ये बन जाएगा इन सब दो दिन बाद नीचे होगा। पानी में टीप कर देना। और टीप तो मैं खुद कर सकता हूँ, वो देखो वो देखो वो मैंने पिलरों को टीप की है, वो इधर भी मैंने सीढ़ी बनाई है, सीढ़ी भी छाते डाल के ना टीप करें, पानी लगा कर टीप करें। देखो देखो वो टीप सही हुई है, सीढ़ी सीढ़ी को टीप देखो अच्छी हो गई है ना, देख लो फिर, मैं कारीगर खुद हूँ। ये देखें जो पिलर बने हुए हैं, ये किचन के पिलर कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे बहुत। और यकीन करो मैंने कोई शावा नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा मैंने इसके ऊपर, कारीगर इधर बैठा हुआ, किधर बैठा हुआ, इधर ही पिलर बना रहे हैं, देख लो फिर। देखिये मैं खुद बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि बस क्योंकि ज्यादा काम होता है ना, फिर अकेला बंदा कर नहीं सकता। ये देखें ये पिलर मैंने बेहतरीन बनाए हैं और मतलब इतना जबरदस्त हैं, अच्छे मैंने बना लिए हैं, किरे मुंह की दिवे नहीं होना। ओ यार यहाँ आसमान के ऊपर जो है ना हल्के हल्के बादल भी बन रहे हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या चाहिए? अभी मैं जा रहा हूँ जी अब्बू वालों के घर, और फिर मैं जाऊँगा अब्बू को लेकर, और मैं फिर बांस जो है वो लेके आऊँगा इधर। पिछली बार भी जब मैंने बांस लिए थे ना, उस बंदे ने उसमें कुछ ख़राब बांस जो है वो डाल दिए थे, मैंने कहा इस बार जो जाऊंगा ना जब मैं, तो साथ खड़े होकर दौड़ करवाऊंगा, जो अच्छे साफ सुथरे बांस होंगे ना वो मैं लेके आऊंगा। तो अभी इसलिए मैं अब्बू को भी लेके जा रहा हूँ, अब्बू भी कुछ चूज़ करेंगे, देखेंगे कि जो पोले पोले बांस होते हैं ना वो ना हो। पिछली बार भी पोले बांस उन्होंने दे दिए थे, फिर भी पहुँच चुका हूँ जो टिक्की वाली जगह पर, यही वो टिक्की है क्योंकि
हमारे घर के साथ चलती रहती है। अभी यहाँ पे जो है ये कच्ची हुई जगह भी है, परसों मेरे ख्याल में पानी लगाया था, अभी जगह फुल खुश्क नहीं हुई। और ये स्प्रे वगैरह जो लोग करते हैं ना गन्ने के खेत को, ये वो पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे जो बांस है ना, ये हमारे मदरसे के बांस हैं जो कि हमने लोड करवा लिए, ये वाले जहाँ से लेकर वो। और ये पतले भी, कुछ पतले हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, कुछ पतले हमने जो है ना वो न्यू ली हैं। ये तो ये बांस भाई के हैं, तो ये हमने जो लोड करवाए हुए थे ना वो हैं हमारे, अभी जो उतार रहे हैं या फिर दोबारा लोड करेंगे अपने तरीके से, क्योंकि सही लोड नहीं हुए हुए थे। और ये पतले हैं, 5-5 फुट के, 5 फुट बाई 12 फुट के पतले हैं हमारे पास। कुछ पतले पड़ी हुई हैं, 6-7 फुट की पतले पड़ी हुई हैं, कुछ जो है ना ये हैं। तो ये जब हम जोड़ेंगे ना वहाँ पे तो हमारा मदरसा पूरा मुकम्मल हो जाएगा इससे। तो ये हमारा शहर है जी लियाकतपुर, अभी मैं यहाँ लियाकतपुर में आया हुआ हूँ। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ मैं। तो आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमने घर में पाबी उगाई है, तो उसको पंजाबी में तर कहते हैं, उर्दू में भी तर कहते हैं उसको। तो आज मुझे बाजार में दिख गई तो मैंने जो है ले ली। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ये जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छा मेवा है। हाँ मतलब ये जो है ना बिल्कुल नरम है, तो मैंने कहा चलो ये चेक करते हैं। वैसे मैंने खाई भी है रास्ते पे, बहुत ही मज़े वाली है। खाए हैं अंकल जी? बड़ी खास क्लास मेवा है, बहुत अच्छी है। इमरान आप जाओ यार, वो उतरा गया उसको, शाह साहब जो है वो चले गए हैं, वो मकलों की बस्ती में था, मकले गया था वे, मकले गया था अभी। हाँ हाँ काम देखो ना उन्हें। अच्छा मेरे को रोटी खा के मैंने, आप देखें काम छोड़ के अब उधर घूम रहा है। ये हालात हैं। उसको मैंने बताया भी, मैंने कहा मदरसा जल्दी जल्दी बना दो, हमें जो है ना हमने फिर शुरू करना है। लेकिन अब किसी का कोई बंदा किसी का एहसास नहीं करता, अब ये हालात हैं उसके। खाना खा रहे तुम, आप जाओ भाई कहो उतरवा लो बांस, ठीक है? तो तार में लाया था मैंने कहा चलो आप भी खाएं, ये लो तार खाओ। चेक तो करो कैसी लगती है, चेक करो। जाओ आप वो ले आओ जो मैंने कहा है आपको, घी। हाँ। ये खा के दिखाओ। नहीं मैं नहीं खाता। खा तो खाओ तो सही, अच्छी है, जहर थोड़ी दे रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। मुझे नहीं अच्छी लगती ये चीज। आपको मीठा चाहिए हाँ, चाय हो या इस तरह की चीजें हो हाँ, जो सेहत के लिए अच्छी होती है वो चीज ना हो। जो मैं शुरू से मुझे अच्छी लगती है ना वो आप दिल करता है वो चीज। वो मेरी बात सुनो, आपने आपकी अभी काम ठीक है? उर्दू बोली खाई है आपने? चिकन वगैरह खाया है ना उधर? वही जब तक वो आप पेट साफ नहीं होगा तब तक वो थोड़ा बहुत रहेगा ऐसे, सर दर्द कभी क्या कभी क्या। मैदे की गोली खाओ और कैलोरी सेट खाओ, खत्म हो जाएगा, फिर नहीं होगा पेन। अच्छा आप एहतियात नहीं करती। मैंने रोटी बना ली है अभी, मैंने वो ऊपर रखी हुई गवार वो गल चुकी है, आप घी ले आओ, वो मैं करती हूँ उसको। अभी गया जस्ट पहले गए थे, घी जो है वो ख़त्म हो गया था, अभी मैंने घी ले कर दिया है। अभी 1 बज चुका है, तो 1 बजे वैसे भी खाना देते हैं, पहुंच जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बना तो नहीं है। मैंने अभी घी वगैरह ले कर दिया, मैंने कहा चलो जो है ना अभी बनाओ, मैंने कहा फिर मिस्त्री भाई को देते हैं। तो अभी ये भाई जो है ना लेके आए हैं हमारे पास, जो कि हमने बरामदे के अंदर लगानी है, तो अभी इसको इनको देते हैं किराया। तो माशाल्लाह जी ये हमारे बांस आ चुके हैं जी, देख सकते हैं आप, ये तो टीयर की जगह पर हमने ना बांस इस्तेमाल करने हैं। ये जो हमारी ऐसे लंबाई है ना, ये हमारी लंबाई है 26 फुट हमारी लंबाई है, लेकिन इसके जो चढ़ाव है ना दीवार के ऊपर 6 इंच इधर और 6 इंच उधर चढ़ेगा दीवार के ऊपर, बांस टिकेगा। तो इसलिए ना हमने बांस लिए हैं बड़े। वैसे तो ये बांस जो है ना इसमें कुछ 30-30 फुट के भी हैं, तो वो जो दुकानदार है ना उसने कहा कि चलें कोई बात नहीं आपके लिए फ्री है, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मदरसे के लिए हम जो है ना वो ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मदरसा ही बनाएंगे हम, तो मदरसे के लिए इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा कि जब बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको सवाब होगा, तो उसने 2-2 फुट जो है वो छोड़ दिया। वैसे भी हमारे 2 फुट वो किसी काम का नहीं है, हमने वैसे भी काटना है उसको, तो यहाँ पर 2-2 फुट बनेगा, तो हम यहाँ पर काटते जाएँगे और फिर हम फिक्स करते जाएँगे। ये देखें ना ये ऊपर टूटा हुआ है, तो यहाँ पे हमें वैसे भी काटना पड़ेगा इस जगह पे। ये 2-2 फुट जो है ना हमारा ये रफ़ है, फ्री है, तो ये फिर हम काट देंगे और फिर काट के
हमारे फिर किसी भी काम का नहीं है, हम वैसे भी फेंक देंगे इसको। मैंने उसको बताया, मैंने कहा हमारे किसी काम का नहीं है, अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अच्छा चाचा, अच्छा ये जो है ना, ये 5 फुट की एक पत्तल है, ठीक है, ये 5 फुट की है, तो वो जो हमारी पहले वाली पड़ी हुई है ना, ये लगी हुई है, ये कितने फुट की है? जो वो तो 8 फुट की है ना। किस मतलब नहीं, ये जो ऊपर ऐसे चौड़ाई उसकी कितना है? 8 फुट है ना। 8 फुट है या 5 फुट है? ये देखें, इसको भी देखें और उसको भी देखें। हाँ, 8 फुट है या 6 फुट है? क्योंकि मुझे ना, मुझे उस बंदे ने कहा है कि वो जो पत्तल है ना, वो मैं 400-400 रुपए की लेके आया था, मुझे उस बंदे ने कहा है कि वो जो पत्तल है ना, वो 6 फुट की नहीं है। मतलब अगर वो कहता है कि वो 5 फुट की पत्तल थी, मैंने आपको वो दी थी 500 रुपए की। मैंने उसको कहा, बताया, मैंने कहा नहीं, वो पत्तल 600 रुपए की थी, आपने मुझे दी है 400 रुपए की। 6 फुट है ना, उसको मैंने बताया ये बात। मैंने कहा ये तप्पल जो है ना, आप 400 रुपए इसका रेट लगाओ। उसने कहा नहीं जी, मैंने उसने कहा ये 400 रुपए की हमें वारे नहीं आती। मैंने कहा पहले तो आपने, 2 हफ्ते पहले तो आपने दी है, मैंने कहा, हालांकि वो मैं पत्तल जो वो 400-400 रुपए की लेके आया था, लेकिन वो बंदा जो है ना, वो बिल्कुल ही नहीं माना। वो कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको 6 फुट की पत्तल वो भी 400 रुपए में दी हो। मैंने कहा भाई आपने दी है, आप मान नहीं रहे। मैंने पर्चियाँ वगैरह जो है ना, वो मैंने फाड़ दी थी, इसलिए ना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर मैंने कोई बहस नहीं की उसके साथ, वरना मैं उसके साथ बहस करता ना, पर्ची अगर होती फिर मैं उसके साथ बहस करता। तो चलें कोई बात नहीं, तो ये थोड़ी सी उसने महंगी दी है 500 रुपए, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने फिर कम ली है। अगर वो हाँ, ये इसका काना भी मोटा है, हाँ वो उसका काना भी नहीं मोटा, उसके ये सफाई भी नहीं है, जो काने हैं ना, हाँ इसकी सफाई भी बहुत है, हाँ। तो यही चीज़ देख के ना मैं चुप कर गया। मैंने कहा चलो पतले मोटी मोटी दे रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए की, 100 रुपए की कोई बात नहीं। तो ये मैंने जालियाँ भी ली थी, तो इधर जो है ना मैंने जालियाँ लगानी हैं, ये जो जालियाँ हैं ना, ये डेकोरेशन के तौर पर, हाँ ये किचन के ऊपर। ये ख्याल कीजिएगा गिर गया टूट जाएगी, क्योंकि इसकी तार वगैरह नहीं होती, सिर्फ इसने उन्होंने जो है ना ये आर्जी तौर पर सीमेंट और रेत के साथ बनाया होगा, हाँ ये रेत और सीमेंट के साथ बनी हुई है, इसके अंदर तार भी नहीं डाली उन्होंने, हालांकि तार डालते होते हैं लेकिन उन्होंने नहीं डाली। चलें कोई बात नहीं जी, तो हमारा किचन अच्छा अच्छा बन जाए बस, हमारे लिए और क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर भी ना एक एक रेड़ी जो है वो डालेंगे, जो ये वाली ऊंची जगह है ना, ये वाली इसके बराबर बराबर करेंगे, मतलब एक एक रेड़ी आएगी, 5-7 रेड़ियाँ आएंगी इसके अंदर, तो थोड़ी सी जगह जो है ना, एक ईंट ये नीचे वाली छुप जाएगी, तो फिर हमारा किचन जो है अच्छा बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे अंदर चूल्हा वगैरह भी बनाएंगे, और जब तक हमारी सब्ज़ी भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह माहौल बेहतरीन बनेगा। चाचा कैसा बना हुआ है माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अल्लाह ताला कामयाबी दे। ये किचन जो है ना, मैंने खुद बनाया है, देखें बिल्कुल बेहतरीन है। उस्ताद शाह साहब से अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। शाह साहब ने पिलर बनाए थे, सब एतराज कर रहे थे कि शाह साहब ने पिलर बिल्कुल ठीक नहीं बनाए। सब ने मुझे कहा कि आप क्यों उसको क्यों इसको दोबारा उसी को शाह साहब को दे रहे हो काम। मैंने कहा गरीब बंदा है शाह साहब, रोजी लग जाएगा। हाँ, और फिर वो बार बार हमें कहता रहता है कि प्लीज कोई काम हो तो बताएं, कोई काम हो तो बताएं। हाँ चलो उसको बताएं कि वो ठीक कर लेगा, जब बताते हैं ना फिर वो ठीक कर लेता है, अगर ना बताए ना फिर वो झंबी रखता है, कहता है कि बस अल्लाह के हवाले, ऐसा ना चाचा? हाँ तो हमने उसको चलाना है ताकि वो रोजी लगा जाए। हमने वैसे भी तो आपको पता है किसी को भी खड़ा करना है, मिस्त्री को लगाना है, तो उसको भी हमने मजदूरी देनी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये सैयद है, गरीब है, तो 4 पैसे चलो इसके बन जाएंगे। फिर हमने इसको लगाया, लेकिन सैयद शाह साहब मज़ा नहीं कर रहा है चाचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये लापरवाही करता है और काम को काम नहीं समझता। हाँ हाँ, मैं ये जो पिलर था ना, आधा उसने बनाया हुआ था 11 बजे, मैं यहाँ से 11 बजे गया हूँ, अभी 1:30 का टाइम होने वाला है, तो ये पिलर उसने आधा बनाया हुआ था, मेरे ख्याल में कोई 11:30-12 बजे चला गया होगा। हाँ, 1.5 घंटा हो चुका है उसको, 2 घंटे। हाँ तो यही तो चीज़ है ना, अब इतना, हालांकि उसको मैंने ठेका दिया, ऐसी मैंने दिहाड़ी भी नहीं दी, मैंने कहा चलो यार अपनी मर्जी से ना, जल्दी जल्दी करोगे तो हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और फिर आप भी फ्री हो जाना जल्दी, तो फिर ये ठेका देने का ये मकसद है। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक शाह साहब को जो है खुश रखे। अखां लड़ी बदो बदी बदो बदी,
मौका मिले कदी 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 ओ कल नहीं किसे ने देखी मजा लइए अज दा मौका मिले कदी 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 कल नहीं किसे ने देखी मजा लइए अज दा रोटी दे हम ना मैं आ तू जरा ना रोटी जल्दी पा दे मैं कोठरो छोटी रोटी तो प्यार भाई अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा तब तक जी अल्लाह हाफिज़।